RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक क्रांतिकारी शहरी परिवहन परियोजना है। ये बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक अवसर प्रदान कर लोगों को सशक्त बनाएगी और साथ ही प्रदूषण, जाम और शहरों के अव्यवस्थित विस्तारीकरण जैसी समस्याओं को हल करेगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों के जीवन को गतिशील, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक और स्थायी आवागमन के साधन के जरिए आर्थिक विकास प्रदान कर खुशहाल बनाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत के पहले रीजनल रेल नेटवर्क का निर्माण कर रहा है, जो रीजनल शहरी केंद्रों जैसे साहिबाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल और पानीपत को दिल्ली से निर्बाध रूप से जोड़ेगी। रीजनल रैपिड रेल देश में पहली बार इम्प्लीमेंट हो रही है। ये एक नए तरीके का रेलवे सिस्टम है जो कि कभी भारतीय रेल ने या किसी मेट्रो कंपनी ने पहले नहीं लगाया है। ये हाई स्पीड है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि इसका कोई बेंचमार्क नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड अभी देश के अंदर नहीं है। ये सब NCRTC को बनाना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच देश के पहले RRTS कॉरिडोर का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया। 3 महीने के भीतर सिविल कार्य गति से प्रगति की सच्ची भावना के साथ शुरू हो गया था, जिससे कि वर्ष 2023 तक साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ये 82 किलोमीटर लंबा संपूर्ण कॉरिडोर 2025 में प्रारंभ हो जाएगा। पिछले एक वर्ष के दौरान प्राथमिक सेक्शन की लगभग सभी पूर्व निर्माण गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट साइट कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। वसुंधरा गाजियाबाद में सेगमेंट कास्टिंग के लिए अत्याधुनिक कास्टिंग यार्ड स्थापित किए गए हैं, जिसमें बैचिंग प्लांट, क्वालिटी लैब, सेफ्टी पार्क, लेबर ट्रेनिंग और हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। वर्तमान में 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में से 50 किलोमीटर से अधिक भाग का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 1800 फाउंडेशन पाइल्स पूरे किए जा चुके हैं, जो कॉरिडोर की लगभग 12 किलोमीटर की लंबाई को कवर करता है। 50 पिलर बना लिए गए हैं और तारुणी लॉन्चिंग गैंट्री को गर्डर्स की लॉन्चिंग के लिए असेंबल किया गया है, जिससे वायडक्ट के सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कॉरिडोर के शेष हिस्से के निर्माण कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया जारी है। सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स की निविदाएं जैसे कि सिग्नलिंग, ट्रैक, इलेक्ट्रिकल आदि अंतिम चरण में हैं। रोलिंग स्टॉक की निविदा सरकार की मेक इन इंडिया नीति पर आधारित है। NCRTC की सुस्पष्ट परिकल्पना नीति, दूरदृष्टि, रणनीतिक योजना और प्रतिबद्ध नेतृत्व के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। मैंने जुलाई 2016 में नियमित प्रबंध निदेशक का चार्ज लिया था। इतनी बड़ी और कठिन परियोजनाओं में एक बहुत ही मजबूत और कुशल टीम की आवश्यकता होती है। मेरा इस पे बहुत ध्यान है और मैंने इसीलिए इस तरह के कुशल अभियंताओं को और अधिकारियों को नियुक्त किया है, जिससे कि वो इस प्रोजेक्ट को समय पे अपने पूरे उत्साह और कठिन परिश्रम द्वारा पूरा कर सकें। हमारा इस चीज़ पे बहुत ध्यान है कि हम ना केवल समय के अंतर्गत बट जो हमारे को स्वीकृत धनराशि है, जो अनुमानित राशि है जिसके लिए सरकार ने हमें सैंक्शन किया है, उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट को पूरा करें। RRTS जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत कठिन हैं, जटिल हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी समय लेता है कि हम उनको शुरू कर पाएँ। इसके लिए NCRTC ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर लेंगे। उसमें हमने जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सड़क का चौड़ीकरण, बिजली की लाइनों को हटाना, ट्रैफिक को स्मूथ करना, इन सब कार्यों को हमने समय पर पूरा कर लिया। जहाँ जहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर को साइट देनी थी, ये सारी चीज़ों को हमने ख़त्म किया। ड्राइंग्स हमने अपनी बना ली, हमने डिज़ाइंस कर लिए, सो जब कॉन्ट्रैक्टर आए तो हमने उनको क्लियर साइट दी जिससे वो तेज़ी से काम कर पाए।
और पिछले एक साल में जो हम लोग ने अचीव किया वो इस तरह के प्रोजेक्ट पे नॉर्मल कोर्स में संभव नहीं होता। NCRTC आम जनता हेतु सार्वजनिक परिवहन परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, इसलिए इसने प्रारंभ से ही सिटीजन सेंट्रिक के मूल्यों को प्राथमिकता दी है। NCRTC कर्मचारियों की टीम का प्रत्येक सदस्य इसी सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेता है, इसीलिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही ये सुनिश्चित किया गया था कि सड़क पर चल रहा ट्रैफिक कार्य की वजह से प्रभावित न हो और स्थानीय निवासियों को भी असुविधा न हो। निर्माण के समय यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक हुआ दोनों ओर सड़कों को चौड़ा किया गया। विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें, भूमिगत विद्युत केबल, दूर संचार लाइनें, गैस पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन और सीवेज लाइनों को स्थानांतरित या संशोधित किया गया है जो कॉरिडोर में बाधा डाल रहे थे। अब तक 24 EHT लाइनों को स्थानांतरित कर दिया गया है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य बैरिकेड जोन के अंदर ही किया जा रहा है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यातायात के सुगम प्रवाह के लिए जगह जगह ट्रैफिक मार्शल तैनात किए गए हैं और सुरक्षित सड़क पार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए 24/7 CCTV से निगरानी की जा रही है। CCTV ये सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि हर कोई अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पूरी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के साथ ही निर्माण स्थलों में प्रवेश करे। NCR प्लानिंग बोर्ड के 2032 के होराइजन प्लान में, जो कि पूरे NCR के यातायात प्लान का पार्ट है, 8 RRTS कॉरिडोरों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर हैं, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर। इन 3 कॉरिडोर्स पे अभी काम चल रहा है और उनको पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये कठिन कार्य है, बट हम लोग सभी अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं जिससे कि हम इसको अचीव कर सकें और लोगों का एक यातायात के साधन से दूसरे साधन में जाना आसान हो सके। RRTS जैसी बड़ी सार्वजनिक परियोजना के सुचारू निष्पादन के लिए निरंतर सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए NCRTC ने कॉरिडोर के आसपास विभिन्न सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें लोगों को न केवल चल रहे निर्माण कार्य से अवगत कराया जाता है बल्कि इन कार्यक्रमों के दौरान उनको अपने विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें विभिन्न सामाजिक आर्थिक लाभों के बारे में बताया जाता है जो उन्हें नेक्स्ट जनरेशन परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी। इस चुनौतीपूर्ण बुनियादी ढांचे की परियोजना में देश में पहली बार विभिन्न नई तकनीकों को उपयोग में लाया जा रहा है। ये तकनीकें न केवल निर्माण स्थलों पर सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हैं, बल्कि शून्य दुर्घटनाओं के साथ निर्माण के लक्ष्य को समय से पूरा करने में भी मदद कर रही हैं। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियां BIM भवन सूचना मॉडलिंग, VR वर्चुअल रियलिटी, CDE कॉमन डेटा पर्यावरण, GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली, COS निरंतर परिचालन संदर्भ स्टेशन। COVID-19 महामारी के कारण देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। NCRTC इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी आवश्यक है करने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्माण कार्य जिसे लॉकडाउन के दौरान बंद करना पड़ा था अब सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार फिर से शुरू हो गया है। निर्माण कार्य में सामाजिक दूरी और अन्य सावधानियों का पालन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की गई है। इन कठिन समय में NCRTC ने अपने स्टाफ और निर्माण श्रमिकों को पर्याप्त संभव सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे पर्याप्त संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की आपूर्ति तथा समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। स्वीकृत लागत के भीतर समय पर परियोजना को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए NCRTC द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। NCRTC का प्लानिंग का ये आत्मा है, ये उसकी कोर है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी
साधन हैं उनको हम इंटीग्रेट कर सकें, हम उनको एक जगह पर ला सकें। दिल्ली के आसपास के दूसरे शहरों से दिल्ली आने में या दिल्ली से बाहर जाने के लिए जो समस्या थी वो RRTS द्वारा काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एक आम आदमी भी अब कम पैसे खर्च करके उतने ही आराम से उन जगहों पर पहुंच सकता है जहां पे पहले टैक्सी या कार से पहुंचा जा सकता था। जैसे कि अगर दिल्ली में किसी को एम्स आना है या दिल्ली से बाहर किसी जगह जाना है तो वो 3-4 घंटे के बजाय अब 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर इस सफ़र को पूरा कर सकता है। हमारे सभी प्रयासों की सफलता अतीत की कड़ी मेहनत की वजह से हुई है और हम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रगतिशील हैं। हम बेहतर कल का वादा करते हैं। हम अच्छे या उचित के लिए नहीं बल्कि सर्वोत्तम के लिए लक्ष्य कर रहे हैं। गति से प्रगति।